तो दगड़ियों मैं छो आपको होस्ट आपको दोस्त बंटो सवाल। और दोस्तों आज टाइम हो चु 12:25 रात का 12:25 आई होप आप लोगों को दिखने वालों तो 12:25 हो रात का और हम जाना छो अपना गाँव पातल पौड़ी गढ़वाल। आज 23 तारीख और भोलना सॉरी आज 23 तारीख वही गिन मन भी 12 बजे तो 23 तारीख और भूल मतलब ठीक 8-10 घंटा बाद दगड़े को हमारे हल्दी हाथ से तो आप हम पहुँचे टाइम से। तो दगड़े उम्मीद यार दोस्त अमित अमित भाई कैसे लग रहा है पहली बार मतलब ऐसे सफ़र में जाने में मज़ा आ रहा है ना? देखते हैं कैसे लग रहा है। दोस्तों ऑलमोस्ट हमने जो हमारा जो सफ़र का ही वो का ही 4-5 बजे से स्टार्ट सुबह रखी लेकिन आज फर्स्ट टाइम रात ही 12 बजे स्टार्ट करें। दीदा छो कर रास्ता और कितना किलोमीटर रास्ता कितना किलोमीटर नब दिया हम कितना घंटा नब दिया हम बने रहे हम दगड़े तब तक मैं आपसे कि थोड़ा बाइक को इंट्रो दे दूँ। चुके हैं हम मीरापुर और अमित भाई हमारे चाय पीते हुए और उन्होंने इस टाइम पे दोस्तों आप टाइम देख सकते हो 3:15 हो रहा है और अभी जाके इन्होंने परांठे का ऑर्डर दिया है। मेरी तो आधी चाय भी ठंडी हो गई है तो हम तो चाय पे फोकस करते हैं भाई लेट्स। तो सुबह की शुरुआत लेकर आए हैं और दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं कोटद्वार का जो मेन एंट्री वाला जो पुल है ना उस पुल पर हैं दोस्तों आप देख सकते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 5:12 तो हम 12:30 बजे दिल्ली से निकले थे 5:12 को हमने कोटद्वार आ चुके हैं और किलोमीटर में दिखाता हूँ आपको अभी कितने किलोमीटर हो चुके हैं अप्रॉक्स 240 किलोमीटर कर चुके हैं क्रॉस सिर्फ 4.5 घंटे में और काफ़ी गाड़ियाँ आती हुई। अमित भाई कैसा लग रहा था? ठंड लग रही है दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने देखो कुर्ता पहन लिया मेरे पास कुछ नहीं था फुल स्लीव का तो मैंने कुर्ता पहन लिया और बहुत ख़तरनाक ठंड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ठंड और जैसे हमने पहाड़ मतलब पहाड़ के नज़दीक आ रहे हैं उतने हाथों में ठंड अलग लग रही है। ग्लव्स लाना भूल गया था मैं। तो दोस्तों अब दिखाएंगे आपको कोटद्वार के कुछ नज़ारे तो चलिए देखते हैं। चलो ठीक है चलो ठीक है अच्छा फिर नमस्ते। गजब बेइज्जती है ये शाम आधा के किराए में चल गया तो किराए में चल गया क्या बोलना था चल ठीक है ओके बाय सजा पैतरी वाला बड़ा जी
अबे यार मार्केट ही नहीं खुला थी। चलने लगी चल ठीक है। रोटी खा लेना। तो काफ़ी थकावट भरा सफ़र था, आपको पता ही है दोस्तों, काफ़ी थकावट भरा सफ़र था। और फर्स्ट टाइम ऐसा सफ़र किया। क्यों अमित भाई? अमित भाई की हालत ख़राब हो चुकी है क्योंकि अमित भाई पीछे दो दो बड़े बड़े थैले लेकर बैठा हुआ था। और अभी हम पहुंच चुके हैं कोटद्वार से आगे, थोड़ा आगे कोटद्वार से आगे। अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी हमारे होम टाउन के लिए, मतलब हमारे गाँव के लिए। और करीबन कितना, 76-77 किलोमीटर होगा। हाँ, तो अप्रोक्स 2-2.5 घंटे का रास्ता है। तो उसको पार करने के बाद आपको मिलता हूँ मैं हल्दी हाथ में। तो मज़े लो, सीन लो, सीन के मज़े लो उत्तराखंड के। गर्मी में पक गए होंगे ना शहरों की। तो बाय बाय।